गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज देखो मैं सुबह सुबह से ही सब्जियां धोने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रात के हस्बैंड सब्जी लेके आए थे, फिर थोड़ा आलस आ गया, अब हम सब्जियों के धोने जा रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं सब्जियों, क्योंकि अभी धो के रख देंगे तो उनका पानी आराम से निकल जाएगा। पहले हम सिंक को अच्छे से पहले साफ कर लें, उसके बाद सब्जियां इसमें धोएंगे। सारी सब्जियां धुल गई, उनको सबको डलिया में रख दिया है। अब इनका पानी निचुल जाएगा तब फ्रिज में रखेंगे। किचन देखो हमारी पूरी क्लीन हो गई है, सारा काम निपट चुका है और अब हमने अपने लिए भी खाना की थाली लगा ली है। सिंपल खाना है, दाल चावल रोटी और सलाद में खीरा है। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। आइए आप सब लोग भी पहले खाना खा लीजिए, फिर हम खाते हैं। जिस दिन सब्जी आती है उस दिन बहुत काम हो जाता है। सुबह सब्जी को धो के रखा, फिर अब सब्जी को फ्रिज में रखें। अगर आप इस तरह से भिंडी को धो के अच्छे से और बिल्कुल इसका पानी सूख जाए और पॉलिथिन में आप बंद करके रख दो तो भिंडी आराम से 4-5 दिन तक स्टोर हो गए अच्छे से रखी रहती हैं और खराब भी नहीं होती हैं। सारी सब्जी ऐसे ही रखी है। और गांठ लगा हुआ है इसमें और पॉलिथिन ये खोलना है। ये हरी प्याज है, इसको भी ऐसे ही अपन रख देंगे पॉलिथीन में पैक कर। जो चीज पॉलिथीन में पैक करके रखनी है तो उसमें रख ली। खीरा को हम ऐसे ही रख देंगे। अदरक का मैंने अभी डिब्बा धो के रख दिया, अभी कुछ सूखा नहीं, इसलिए अभी अदरक के ऐसी बास्केट में ही रख देंगे। अब इसको हम फ्रिज में रखते हैं। अब हम अपने लिए बनाएंगे ग्रीन टी 1 कप और ग्रीन टी पी के थोड़ी सी स्ट्रेस कम लगता है और ताजगी सी महसूस होती है। और हम ग्रीन टी एक टाइम लेते हैं, शाम के टाइम ग्रीन टी लेते हैं और
जब ज्यादा मौसम ठंडा होगा तब देखेंगे, तब अदरक वाली चाय चालू कर देंगे। सुबह डेली अदरक वाली भी चाय नहीं लेते, कभी कभार ही लेते हैं। और हम ग्रीन टी घी निकाल के, पानी जब बॉईल हो जाएगा तब हम ग्रीन टी लेंगे। अब इसको बंद कर देंगे। अब इसमें से एक बैग निकालेंगे, खोलेंगे, इसमें रखेंगे। आपको अगर और इसी के साथ हम अपनी वीडियो, अभी हमने ग्रीन टी अपने लिए बनाई है और ग्रीन टी बन गई है मेरी, उसमें बैग डिप हो रहा है अभी और उसे 2 मिनट के लिए डिप करके रखना पड़ता है। और इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड भी करेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और अच्छी लगती है तो आप प्लीज एक लाइक करना, और अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताना और शेयर करना, और प्लीज सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि व्यूज के साथ में सब्सक्राइब भी चाहिए और लाइक शेयर और आपका प्यार बहुत चाहिए। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, वेरी 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 थैंक यू। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और अपनी वीडियो का हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू।